हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपना एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहां पर तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024। अब यहां पर इसके अंदर बात करेंगे कि इसका कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी 28 राज्य की कट ऑफ बताने वाला हूँ, वो भी मेल एंड फीमेल। ठीक है फ्रेंड्स, मेल एंड फीमेल दोनों कट ऑफ बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ जितने एरिया है, जितने आपकी कैटेगरीज बनती है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, सारी कटों में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपना नॉलेज स्कोर है वो कैसे चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको एक सटीक अंदाजा बन सके कि मेरा फिजिकल के अंदर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये जो कट ऑफ है ये एसएससी जीडी भर्ती 2022-23 की फिजिकल की कट ऑफ है। 2022-23 की ये फिजिकल की कट ऑफ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार, इसके बाद में यहाँ पर पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंडमान और निकोबार का यूआर का जनरल एरिया का एक ही कट ऑफ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 यहाँ पर कट ऑफ गया था पिछले साल फिजिकल का। अब इस बार आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो आपकी कट ऑफ है 2024 की वो आपकी कट ऑफ इस बार ज्यादा जाएगी ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1/8 नेगेटिव मार्किंग थी। इसके साथ साथ आपका जो पेपर का लेवल था वो भी बहुत ज्यादा इजी था और पिछले साल की तुलना में आपकी जो वैकेंसी है इस बार आधी है। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी में जो आपकी कट ऑफ है एसएससी जीडी 2024 की कट ऑफ फिजिकल कट ऑफ है वो बढ़ेगी। अब कितना नंबर बढ़ेगी, तो यहाँ पर जैसे अंडमान और निकोबार है तो यहाँ पर लगभग 5 से 6 नंबर आप प्लस कर लीजिएगा, 5 से 6 नंबर आप प्लस कर लीजिएगा, आपको अपने आप कट ऑफ का अंदाजा लग जाएगा। जैसे यहाँ पर पिछले साल 65 गया था तो इस बार आपका 71 जा सकता है। इसके बाद में जैसे आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसकी कट ऑफ कुछ एरिया जैसे हैं और कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जिसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। जैसे यहाँ पर नक्सल एरिया ऐसी की जगह तो 32 जाती है, नक्सल एरिया जनरल एरिया यहाँ पर 32। तो अब इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप इस कट ऑफ से 4 नंबर प्लस कर लीजिएगा। अगर मेल कैंडिडेट है 4 से 5 नंबर आपको प्लस कर लेना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 3 नंबर, फीमेल कैंडिडेट है तो 3 नंबर आप इसको प्लस कर लेना है। आपका इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, मैं फिजिकल कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद में आगे देखें, आगे है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कट ऑफ के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट है तो यहाँ का कट ऑफ लगभग आपका 5 नंबर आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ बढ़ने वाला है, 5 नंबर आपका फिजिकल कट ऑफ इसमें बढ़ने वाला है। ये 2022-23 की फिजिकल कट ऑफ है, तो यहाँ पर अगर अरुणाचल प्रदेश है तो लगभग आपका 5 नंबर प्लस होने वाला है मेल कैटेगरी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में फीमेल है तो लगभग 3 नंबर आप प्लस कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर असम से है तो असम के अंदर आप अगर मेल है तो 5 नंबर प्लस कर लीजिएगा और फीमेल है तो प्लस 3 कर लेगा, यानी असम के अंदर अगर मेल है तो 5 से आपको 6 नंबर प्लस कर लेना है। ठीक है, इससे ज्यादा आपका फिजिकल कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। इसके बाद में आगे देखिए, तो जैसे बिहार है तो बिहार का कट ऑफ ज्यादा जाता है, बिहार का कट ऑफ ज्यादा जाता है। यहाँ के कैंडिडेट बहुत बढ़िया रहते हैं एजुकेशन के मामले के अंदर, तो यहाँ का कट ऑफ देखे तो लगभग आपको अगर आप मेल कैंडिडेट है तो पिछले साल की जो फिजिकल कट ऑफ है एसएससी जीडी की जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इससे आपको लगभग आपको 7 नंबर प्लस कर लेना है, 7 नंबर आपका मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल है तो लगभग आपको 5 नंबर प्लस कर लेना है, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। इसके बाद में अगर आगे बात करें जैसे चंडीगढ़ है और छत्तीसगढ़ है, इसका कट ऑफ देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं चंडीगढ़ के अंदर भी आपका कट ऑफ, चंडीगढ़ यहाँ से लेकर यहाँ तक है लगभग कट ऑफ, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट में लगभग 5 नंबर आप प्लस कर दीजिएगा, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 3 नंबर आपको प्लस कर लेना है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। इसके बाद में छत्तीसगढ़ स्टेट है तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपको लगभग अगर आप मेल कैटेगरी से है तो प्लस 5 कर लेना है, फीमेल है तो 3 नंबर आपको प्लस कर लेना है, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। इसके बाद में अगर आगे देखें दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, यहाँ का कट ऑफ देखे तो लगभग ऑल ओवर आपको 4 से 5 नंबर प्लस करके देख लेना है। इसके बाद में अगर दिल्ली से है तो दिल्ली का कट ऑफ क्या है, थोड़ा ज्यादा जाता है, तो दिल्ली के कट ऑफ के अंदर आपको अगर आप मेल कैंडिडेट है तो लगभग आपको 8 नंबर प्लस कर लेना है, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको पिछली कट ऑफ से फिजिकल कट ऑफ है उससे आपको यहाँ पर लगभग 5 नंबर प्लस कर लेना है, ये आपका दिल्ली का आपको कट ऑफ का अंदाजा बन जाएगा। इसके बाद में अगर गोवा से है तो गोवा का कट ऑफ देख सकते हैं आपका इतना ज्यादा नहीं जाता है। अगर गोवा से है मेल कैंडिडेट है तो पिछले साल की जो फिजिकल कट ऑफ है इससे आपको 4 नंबर मेल में और फीमेल के अंदर आपको 3 नंबर आपको प्लस कर लेना है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। इसके बाद में अगर गुजरात से है तो मैं गुजरात से भी आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना है, अगर मेल कैंडिडेट है और गुजरात से है तो पिछले साल की जो फिजिकल कट ऑफ है
उसमें अगर मेल कैंडिडेट है तो आपको लगभग 7 नंबर प्लस कर लेना है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो लगभग 4 नंबर आपको प्लस कर लेना है, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। इसके बाद में अगर आगे देखें, आगे आप हरियाणा, हरियाणा का कट ऑफ ज्यादा जाता है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, यहाँ कट ऑफ ज्यादा जाता है। अगर इन स्टेट से कोई भी कैंडिडेट बिलोंग करता है तो अगर मेल कैंडिडेट है तो पिछले साल की फिजिकल कट ऑफ से लगभग 8-9 से 10 नंबर आपको प्लस कर लेना है, और अगर आप फीमेल है तो 6 से 7 नंबर तक आपको प्लस कर लेना है पिछले साल की कट ऑफ से, फिजिकल कट ऑफ से, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश सेम कंडीशन है, हिमाचल प्रदेश के भी अगर मेल कैंडिडेट है तो लगभग 7 नंबर और फीमेल कैंडिडेट है तो लगभग यहाँ पर 5 नंबर प्लस कर लेना है, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आगे देखें तो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में अगर आप मेल कैंडिडेट है तो पिछले साल की जो फिजिकल कट ऑफ है उससे आपको लगभग लगभग आपको 5 नंबर प्लस कर लेना है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर 3 नंबर प्लस कर लेना है, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। और झारखंड की बात करें तो यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं झारखंड यहाँ तक है, अब इसके अंदर लगभग अगर आप मेल कैंडिडेट है पिछले साल की कट ऑफ से 6 नंबर प्लस कर लेना है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 4 नंबर आपको प्लस कर लेना है, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ है, फिजिकल कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाला, ठीक है। इसके बाद में अगर आगे देखें, आगे आपका जैसे कर्नाटक है, केरला है, इसके बाद में लद्दाख है, तो यहाँ का कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता, यहाँ का कट ऑफ नॉर्मली जाता है, तो यहाँ के कैंडिडेट मेल कट ऑफ के अंदर, मेल कट ऑफ के अंदर आपको लगभग 5 नंबर और फीमेल कट ऑफ के अंदर लगभग आपको 3 नंबर प्लस कर लेना है, अगर इन स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, केरला, कर्नाटक और लद्दाख के कैंडिडेट, ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं बढ़ेगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का मैंने आपको बता ही दिया, मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ का कट ऑफ क्या है, लगभग आपको पिछली कट ऑफ से 9 से 10 नंबर मेल कैंडिडेट अपना प्लस कर लेना है, अगर फीमेल है तो लगभग आपको 6 से 7 नंबर प्लस करके अपनी कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। वही आगे बात करते हैं महाराष्ट्र, मणिपुर, तो महाराष्ट्र के जितने भी कैंडिडेट है यहाँ पर आप अपनी पिछले साल की कट ऑफ देख सकते हैं, तो मेल कट ऑफ है तो इस कट ऑफ से आपको अगर आप महाराष्ट्र से है तो 6 नंबर प्लस, और फीमेल से है, फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 3 से 4 नंबर आपको प्लस कर लेना है, यही आपका एक कट ऑफ का अंदाजा होता है, ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं मिलेगी। अगर मणिपुर स्टेट से है तो लगभग आपको मेल कैंडिडेट आपको पिछले साल की कट ऑफ, फिजिकल कट ऑफ से आपको 4 नंबर प्लस कर लेना है, अगर फीमेल कट ऑफ है तो फीमेल के अंदर आपको लगभग 3 से 4 नंबर फीमेल के अंदर भी आपको प्लस करके अपना कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद में आगे देखे तो मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, यहाँ का कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो यहाँ के कैंडिडेट भी लगभग अपना जो पिछले साल का फिजिकल कट ऑफ है उससे 5 नंबर अगर मेल कैंडिडेट है, 5 नंबर फीमेल कैंडिडेट है तो लगभग आपको 3 से 4 नंबर प्लस करके कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद में पुडुचेरी, पंजाब, तो पंजाब की कट ऑफ देख सकते हैं आप पिछले साल के 48-40, तो यहाँ पर अगर आप फिजिकल की बात करें तो पिछले साल की फिजिकल कट ऑफ से आपको लगभग अगर आप पंजाब से है तो 6 से 7 नंबर मेल कैटेगरी के अंदर, और फीमेल से है तो आपको लगभग 4 नंबर प्लस कर लेना है, इससे ज्यादा अगर आपका पंजाब का कट ऑफ नहीं जाने वाला। रही बात राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान का कट ऑफ बढ़ेगा लगभग आपका, राजस्थान का पिछले साल की जो मेल की फिजिकल कट ऑफ है, पिछले साल की फिजिकल कट ऑफ है वो आपका अगर मेल कैंडिडेट है तो लगभग आपको 10 नंबर आपको फिजिकल कट ऑफ में प्लस कर लेना है, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, और फीमेल है तो लगभग 6 से 7 नंबर आपको पिछले साल की फिजिकल कट ऑफ में प्लस कर लेना है, पक्का कट ऑफ इतना बढ़ेगी आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इस बार 1/8 की थी। सिक्किम है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, यहाँ के कैंडिडेट अगर आप अपनी कट ऑफ का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो पिछले साल की जो भी कट ऑफ है, फिजिकल कट ऑफ है, उसमें आपको लगभग अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 5 नंबर, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 3 नंबर आपको प्लस कर लेना है, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। रही बात आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का कट ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यहाँ का कट ऑफ ज्यादा जाता है, तो आपको क्या करना है, पिछले साल की जो मेल कट ऑफ है उसमें लगभग 9 से 10 नंबर प्लस कर लेना है, क्योंकि फिजिकल कट ऑफ शुरू में बढ़ेगी, उसके बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। अब आगे बात करें फीमेल के अंदर, तो 6 से 7 नंबर आपको फीमेल कट ऑफ के अंदर प्लस कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आगे बात करते हैं उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, अब यहाँ पर बात करते हैं इन दो स्टेट की कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो पिछले साल की कट ऑफ है अगर आप वेस्ट बंगाल से है तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो लगभग आपको 6 नंबर प्लस कर लेना है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो लगभग आपको यहाँ पर कितना नंबर, 4 नंबर प्लस कर लेना है, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं बढ़ने वाला। तो ऑल ओवर मैंने लगभग 28 स्टेट की कट ऑफ आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है, और आई होप आपको एक सटीक अंदाजा बन गया होगा। तो फ्रेंड्स
अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो फिजिकली की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम समय आपके पास बचा है। और ये मौका बार बार नहीं आता, मेहनत करना है आपको, पूरा जी जान लगा देना है, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमें नॉर्मलाइज स्कोर कैसे चेक करें, तो नॉर्मलाइज स्कोर के लिए भी मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो प्ले स्टोर है इसके अंदर जाना है और वहां पर सर्च करना है आपका एसएससी जीडी आंसर की। और मैंने कल एक इसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो आपको करना क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूं। यहां पर क्या करना है, प्ले स्टोर के अंदर एसएससी जीडी सर्च करना है। जैसे ये सर्च करोगे एक नंबर के ऊपर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसको ओपन कर लेना। सबसे पहले ओपन करने के बाद में नीचे नीचे आएगा आंसर की चेकर, उसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना नहीं आता है तो कल मैंने एक इसके ऊपर वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाके देखिए, आपको नॉर्मलाइज स्कोर का पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना है। ये है आंसर की चेकर, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपको नॉर्मलाइज स्कोर आप अपना देख पाओगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।